रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन दिया है, सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वुड यू लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन में रोहन का एज नहीं है, लेकिन रोहन की जो मदर है उसका एज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। हिम का मतलब रोहन का। तो इसमें हम लिखेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज इक्वल टू, हम लिखेंगे रोहन का जो एज है उसके साथ हमें 26 ऐड कर देना है, क्योंकि रोहन का जो मदर है ये 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से। तो ये बन गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर 3 ईयर्स। ये जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट रोहन का प्रेजेंट एज एंड हिज मदर का प्रेजेंट एज, ये दोनों 3 ईयर्स की बात कितना होगा ये दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर थ्री ईयर्स रोहन्स एज, ऐसे लिखेंगे रोहन्स एज इक्वल टू, हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे हिज मदर्स एज इक्वल टू, ये हो गया रोहन की मदर का प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26, उसके साथ हमें 3 को ऐड कर देना है, क्योंकि 3 ईयर्स आफ्टर मतलब ये जो प्रेजेंट एज है उसके साथ 3 ऐड होगा। तो जब सम करेंगे एक्स प्लस कितना होगा, 26 प्लस 3 इक्वल टू, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 29 होगा। ये बन गया है 3 ईयर्स आफ्टर, ये बन गया है 3 ईयर्स आफ्टर। क्या दिया हुआ है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 ये रोहन का एज हो गया 3 ईयर्स आफ्टर, और ये रोहन की मदर का एज हो गया एक्स प्लस 29। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो उसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, लेट रोहन एज इक्वल टू एक्स, एक्स कंसिडर करेंगे, हिज मदर एज विल बी कितना होगा, रोहन का जो एज है उसके साथ हमें 26 को ऐड कर देना है। आफ्टर थ्री ईयर्स का मतलब कैसे बना, ये जो थ्री ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब ये जो पार्ट है ये प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज की बात जब 3 ईयर्स के बाद जब उसका एज फाइंड करना पड़ेगा तो क्या होगा, 3 ईयर्स आफ्टर, तो रोहन एज विल बी एक्स प्लस 3 एंड हिज मदर एज विल बी, ये हो गया रोहन की जो मदर है, मदर का एज है उसके साथ हमें 3 ऐड कर देना है। ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के साथ हमें 3 ईयर्स को ऐड कर देना है। दोनों को सम करेंगे तो ये निकल के आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मीन्स 3 ईयर्स आफ्टर जो भी एज बनेगा उसको जब हम प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x होगा, नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर को इधर रखेंंगे, 29x प्लस 3x इक्वल टू 32x एंड 87 इधर प्लस में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस 360 होगा, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 273 आएगा। ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना था, ये बन गया है। जब इससे हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो रोहन का जो भी प्रेजेंट एज है वो मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में फिलहाल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर यहाँ तक होगा।